वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साखी मुल्ले खत्री दी साखी। जदों गुरु जी सियालकोट गए तां भाई मरदाना जी नूं एक सोने दा टका दे के गुरु जी ने सौदा करन लई भेजिया ते कहा कि इस दा सच ते झूठ खरीदना है। टका लै के भाई मरदाना जी नगर विच गए ते कई दुकानदारां कोल फिरदे रहे पर किसे ने सच झूठ नहीं दिता। अखीर मुल्ले खत्री कोल गए जो गुरमुख सी। उसने टका लै के रख लिया अते एक कागज उपर लिख के दिता कि मरना सच है ते जीना झूठ है। इस कागज नू वेख के गुरु जी मुल्ले दी समझ उते खुश होए ते मुल्ला गुरु घर दा सिख होया अते गुरु जी दे नाल ही तीर्थ यात्रा नू चला गया। एक बार गुरु जी उच्च इलाके विखे विराजमान सन तां दृब दृष्टि द्वारा वेख के अपने नाल आए हुए मुल्ले खत्री नू कहन लगे कि हे मुल्ले तेरी पत्नी नू किसे दोखी ने झूठा ही कह दिता है कि तू मर गया है। ओ चिखा बना के जिंदा साड़न नू तैयार हो रही है। उस समय समाज विच सती प्रथा प्रचलित सी। ए सुन के मुल्ले ने घबरा के घर जाण लई बेनती कीती। उस दी बेनती सुन के गुरु जी ने ततशिन उस नू शक्ति द्वारा घर पहुंचा दिता ते मुल्ले ने अपनी पत्नी नू जीउंदा साड़न तों बचा लिया। फिर मुल्ला वापस आ के अपने परिवार नाल रहन लगा। एक बार गुरु नानक देव जी भाई मरदाने दे नाल मुल्ले खत्री दे घर गए ते उना दे घर जा के मुल्ला मुल्ला कह के आवाज दिती। जदों मुल्ले दी पत्नी ने गुरु जी नू देखिया तां उसने सोचिया कि गुरु जी मुल्ले नू अपने नाल यात्रा ते लै जाणगे। उसने मुल्ले नू कहा कि ओ अंदर लुक जावे ते ओ कह देवेगी कि मुल्ला तां घर नहीं है। मुल्ला अपनी पत्नी दी गल मन के मूर्ख पाथियां दे गुहारे च छुप गया। उसदी मूर्ख पत्नी ने झूठ बोलदियां कहा कि हे गुरु जी ओ घर नहीं है, किधरे होर पिंड गया है। अंतर जामी सतगुरु जी ने कहा कि जे घर नहीं है तां घर है भी नहीं। गुरु जी दे बचन सफल हन, इन्हां नू कौन टाल सकदा है। बचन सत हो गए। उसे समय मूला खत्री सप लड़ के मर गया ते उसने गुरु तो बेमुखता दा फल पा लिया। जेकर तुहानू साडी ये वीडियो पसंद आई तां इस नू वध तों वध लाइक शेयर अते सबसक्राइब जरूर करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।